हेलो दोस्तों, कैसे हो? कुछ ऐसी वीडियो लाए हूँ जहाँ आपको हर एक सवाल काफी इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा। वहाँ के अगर बात कर लेता है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको हर एक पीपल आपको हैप्पी हैप्पी देखने को मिलेगा, जो कि देश इतना खुश है। जो उस देश से पहले बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जाने से पहले अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए और हमारे साथ डिजिटली कंट्री घूमने का आपको परफेक्ट मौका है। दोस्तों, देश का नाम है मेक्सिको, जो कि इस देश के हिस्सा अमरीकी से मिलता है। दोस्तों, उससे पहले बता देना चाहता हूँ, इस देश में इतना खूबसूरत खूबसूरत प्लेस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर हर एक दिन हॉलीवुड फिल्म शूटिंग ज़्यादातर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस देश के बारे में एक और रोचक कहानी बता देता हूँ। इस देश में आपको स्पोर्ट्स खेलते हर एक जगह को आपको नजर आएगा, जो कि स्पोर्ट जो इतना काफ़ी ब्यूटीफुल है। दोस्तों, इस देश का क्षेत्रफल के बात करूँ तो देश टोटल 2 मिलियन है, जो कि वर्ल्ड में 14वां नंबर पर आते हैं। दोस्तों, इस देश में आपको हर एक जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़्यादातर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस शहर की बात करूँ तो इस शहर में आपको हर एक तरह के इंडस्ट्री देखने को मिलेगा। दोस्तों, शहर बहुत खतरनाक है, क्योंकि मेक्सिको भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, इस देश में आपको हर एक प्रकार के न्यूक्लियर प्लांट ज़्यादातर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस देश का कुल क्षेत्रफल ज़्यादातर हिस्सा आपको शहरी से नज़र आता है। दोस्तों, इस देश का टोटल पॉपुलेशन 11 करोड़ है, जो कि दुनिया में 11वां नंबर पर आती है। दोस्तों, इस देश का एक और रोचक कहानी, इस देश का राजधानी मेक्सिको शहर ही है। दोस्तों, इस देश में आपको हर एक तरीके के रिलीजियस देखने को मिलेगा, ज़्यादातर रिलीजियस ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा रिलीजियस है। दोस्तों, एक और बात बता देना चाहता हूँ, इस देश में आपको हर एक लड़की ज़्यादातर कैप पहनते हुए नजर आएगा। दोस्तों, देश का नाम जो मेक्सिको हो, दोस्तों एक और बात बता देना चाहता हूँ, इस देश का गर्ल काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी खूबसूरत है, जो कि मेक्सिको में आपको ज़्यादातर एक्टर ही नज़र आएगा। मेक्सिको हॉलीवुड के मामला में दुनिया का दूसरा स्थान है। दोस्तों, एक और रोचक कहानी इस देश के बारे में बता देना चाहता हूँ, इस देश में आपको हर एक तरह के हीरोइन से रूबरू हो जाइएगा। दोस्तों, इस देश में आपको हर एक प्रकार की काफ़ी खूबसूरत हीरोइन देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस देश में आपको ज़्यादातर एक्टर ही देखने को मिलेगा, जो कि देश आप तो जानते ही होंगे, मेक्सिको का काफ़ी ज़्यादा फिल्म और ट्रेलर हमारे इंडिया तक भी आते हैं। दोस्तों, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। दोस्तों, एक और बात बता देना चाहता हूँ, ये जो प्लेस है, आपको प्लेस मत समझना राष्ट्र, ये देश किसी महल से कम नहीं है, हर जगह आपको महल ही महल देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेक्सिको को तो खास बात तो यही है, दोस्तों महल के मामले में ये दुनिया दूसरा नंबर पर आता है। महल आपको इतना ज़्यादातर नज़र आएगा हर एक प्लेस पर। दोस्तों, एक और रोचक कहानी बता देता हूँ, इस देश में आपको ज़्यादातर पीपल आपको उसके सर पर ऐसा ही हैट देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसका हैट का मेक्सिको का पहचान है। दोस्तों, एक और बात बता देना चाहता हूँ, इस देश में जाने से पहले सोच लेना, इस देश में आप इधर ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा। आप समझ गए होंगे, समझदार है तो समझदार के लिए काफ़ी। दोस्तों, नहीं बताए ये देश आपको, क्योंकि गर्ल भी इतना कंफर्टेबल है। दोस्तों, एक और बात बता देना चाहता हूँ, जाने से पहले आपको पास ज़्यादा कैसे तो मेक्सिको का ज़्यादातर चक्कर मारिएगा। मेक्सिको एक ऐसे देश है जहाँ आप जो चाहे वो मज़ा ले सकते हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ फ्री है। मेक्सिको के बारे में एक और कहानी बता देना चाहता हूँ, मेक्सिको में ज़्यादातर पीपल आपको वाइट ही कलर देखने को मिलेगा, जो कि मेक्सिको का पहचान है। मेक्सिको में वाइट ज़्यादा 80% आदमी देखते हैं, उसका ड्रेस ही है ये। दोस्तों, एक और बात बता देना चाहता हूँ, इस देश में जाने से पहले एक बार पानी की ज़रूर ट्राई मना, इस देश में इतना वाटर कि देखते ही देखते थक जाइएगा। दोस्तों, इस देश का ज़्यादातर आबादी जंगली हिस्सा है, जो कि जंगली में निवास करता है। दोस्तों, ये खाने के लिए किसी शहर से नहीं जाता, क्योंकि जंगली में कुछ कुछ
अपनी जानवरों को मार कर अपने लिए खाना बनाते हैं, क्योंकि है ना रोचक। दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ, इस देश में जो आपको फेस मास्क दिख रहा है ये फेस मास्क नहीं है, जो कि मैक्सिको का इंडिपेंडेंस दिवस पर ये सब अपने फेस पर लगाते हैं। दोस्तों ये फेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मैक्सिको के लिए। दोस्तों इस देश में एक से एक रोचक कहानी देखने को मिलेगा। ये आपको ब्रिज दिख रहा है काफ़ी पुराना, और मैक्सिको का आज़ादी का पीछे क्या है। दोस्तों इस गांव में इतना ज़्यादा स्वच्छ विलेज देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को मिलेगा। दोस्तों एक और बात बता देना चाहता हूँ, इस देश में आपको स्टैचू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस देश का आधातर स्टैचू अभी तक कहानी से भरा हुआ है। इस देश में आपको हर एक जगह पर बॉडी चैम्पियन ज़्यादातर मेहनत करते हुए देखने को मिलेगा, जो कि इस देश का कई बार इंटरनेशनल चैम्पियन बने हैं, जो कि आपको तो पता ही होगा। दोस्तों मैक्सिको का और एक रोचक कहानी बता दूँ, इस देश में गल भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, जो कि यहाँ का गल आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करने के देखने को मिलेगा, जो कि बाई कर सकते हैं। तो गल किसी से भी पीछे नहीं है, जो कि मैक्सिको में रैक समान है। दोस्तों इस देश में सालों सालों को कहानी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोचक और मनोरंजन करवाते हैं। दोस्तों मैक्सिको एक बार ज़रूर ट्राई करना। उससे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको कोई भी डिजिटली ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।